लोगों को नुकसान पहुंच जाए जिन लोगों के तुम लॉयर बने पड़े। मत करो यार, किसी को कुछ मत बोलो, कोई नेगेटिविटी स्प्रेड मत करो। तो गाइस अभी यहाँ पर एलविश यादव और कीर्ति मेहरा की रिसेंट वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर अज्जू 0008 की वाइफ ने भी रिएक्ट किया है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एलविश यादव की फैन की तरफ से कीर्ति मेहरा को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था, जहाँ पर कीर्ति मेहरा का नाम लोग किसी के साथ भी जोड़कर कमेंट्स कर देते थे। मतलब कि अगर कीर्ति मेहरा किसी के साथ ब्लॉग अपलोड करती थी, लोग उनका नाम उनके साथ जोड़कर कुछ भी बैड कमेंट्स करने लग जाते थे, और जो कि बिल्कुल गलत था। तो इस चीज के ऊपर कीर्ति मेहरा ने भी एक प्रॉपर रिप्लाई वीडियो निकाल अपने चैनल के ऊपर, और उस वाली वीडियो के अंदर कीर्ति मेहरा उन सभी लोगों को रिप्लाई भी कर चुकी हैं। तो गाइस इस चीज के बारे में अज्जू की वाइफ ने भी रिप्लाई किया, एंड उन्होंने इनडायरेक्ट वे में रिप्लाई करते हुए क्या कहा है आप लोग खुद देखिए। ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा मैं, ये हूँ मैं, वो हूँ, नहीं हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो है ना वो है, जब वो चाहेगा ना हमारा मैं यूं खत्म कर सकता है। मत करो यार, किसी को कुछ मत बोलो, कोई नेगेटिविटी स्प्रेड मत करो, कुछ भी मत बोलो किसी को, ठीक है यार। कर्म का फल हमें यहीं भोग के जाना है, यहीं हमें सब कुछ मिलना है, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं है यार। जैसे जहाँ खुशी मिल रही है ना वहाँ खुश रहने दो, जिसे जो करके खुशी मिल रही है उसे वो करने दो। मैं वो करूँगी जिसे जिसमें मुझे खुशी मिलती है, सामने वाले को वो करने दो जिसे उस जिसमें वो खुश है, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब अपनी लाइफ में मस्त रहो यार। सो बाकी यहाँ पर आप लोग इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना चाहोगे, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर से बता देना। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले लक्ष्य चौधरी ने अभिनव अरोड़ा पर एक रोस्टिंग वीडियो निकाला था, और उस वाली वीडियो के अंदर लक्ष्य ने अभिनव अरोड़ा को पूरी तरह से एक्सपोज कर रख दिया था, और अभिनव अरोड़ा और भी ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और अभिनव अरोड़ा अभी के टाइम पर सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपोज होना पूरी तरह से स्टार्ट भी हो चुके हैं। सो गाइस अभी यहाँ पर फिर से लक्ष्य चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अभिनव अरोड़ा फिर से पोक कर दिया, आप लोग खुद देखिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप। मुझे भी भाई एक बहुत बड़े ग्रुप की तरफ से धमकी आई, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे धमकी कहां से आ रही है, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे बांके बिहारी मुझे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ जिसमें देश के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पढ़ते थे। तो बाकी यहाँ पर आप लोग अभिनव अरोड़ा के बारे में क्या कहना चाहोगे, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतना अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।